गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, आप सभी का एक बार सी एस ए परिवार में आपका अपना अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे यहाँ आज मैं एनिमल हस्बेंड्री संडे का दिन है, आज स्पेशल क्लास लेके आए हैं और इस पर एक टॉपिक लेके आए हैं, संकर हाइब्रिड। ठीक है, संकर क्रॉस जो हमारे होते हैं एनिमल में, वो सारी की सारी चर्चाएँ करेंगे, संकर क्या होता है, ठीक है, संकर के बारे में पढ़ाएंगे और संकर की जो वैरायटी बनती है उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो इसी बात में आते हैं, पहले चर्चाएं करते हैं कि हाइब्रिड क्या होता है। व्हाट इज ए हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है बेटा। अगर हाइब्रिड शब्द की अगर बात की जाए तो हाइब्रिड किसे कहेंगे, यदि एक जाति से दूसरी प्रजाति या एक प्रजाति से दूसरी प्रजातियों के मध्य क्रॉस कराया जाता है जिससे बनने वाली नई संतति हमारी क्या कहलाती है, हाइब्रिड या संकर कहलाती है। मान के चलो जैसे कि कोई भी नस्ल है, जैसे किसी भी एनिमल की नस्ल लेते हैं, इधर की बात की जाए, इधर अगर गाय की है और ये देसी नस्ल है गाय की और ये विदेशी नस्ल है गाय की, तो इनसे भी जो भी क्रॉस होगा, इनसे जो बनने वाली संतति होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, जो भी संतति आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, हाइब्रिड कहलाएगी। बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के बीच जो संबंध बनाए जाते हैं या जो क्रॉस कराया जाता है उससे उत्पन्न संतति हमारी क्या कहलाती है, संकर संतति कहलाती है या संकर कहलाती है। इसी बीच में चर्चाएं करते हैं, कुछ गायों की भी प्रजातियाँ बनाई गई हैं उसी प्रकार से आते हैं। इधर में बात की जाए, मैंने गायों की भी बात की है कि गायों के कौन कौन से क्रॉस होते हैं। बेटा यहाँ से कैटेड में एक क्वेश्चन तो रहता है एक्स वाई जेड, आप कोई भी एग्जाम देने हैं वहाँ एक क्वेश्चन लगेगा। गायों की अगर बात की जाए तो नंबर एक आती है होलिस्टीन फ्रीजियन। होलिस्टीन फ्रीजियन बेटा बात की जाए इसका जन्म स्थान होता है हॉलैंड नीदरलैंड, और इसको भारत में क्यों लाया गया, किस पर्पज से लाया गया, ई क्रॉस के पर्पज से ही लाया गया था। फ्रीजवाग की बात की जाए तो होलिस्टीन फ्रीजियन से क्रॉस बन के आता है फ्रीजवाग, और फ्रीजवाग का जो क्रॉस होता है बेटा होलिस्टीन फ्रीजियन इंटू साइवाग। बात समझ में आ रही होगी, फ्रीजवाग का क्रॉस क्या है, होलिस्टीन फ्रीजियन इंटू साइवाग। इसी क्रम में दूसरी वैरायटी जो स्पेसीज बनती जाती है कैटल की, जो ब्रीड बनती है वो बनती है कर्नफ्रीड। कर्नफ्रीड की बात की जाए तो पहले बनती है थार पार्कर इंटू होलिस्टीन फ्रीजियन। किसके से मिलकर बनती है, थार पार्कर और होलिस्टीन फ्रीजियन से मिलकर बनती है, ये दिमाग में रखना। अगर तीसरी बात की जाए करन स्विस क्या होता है, करन स्विस भी एक गाय की नस्ल है जिसका जो क्रॉस होता है साइवाग इंटू ब्राउन स्विस। साइवाग और ब्राउन स्विस के बीच में जब संबंध कराते हैं, भले ही गाय की नस्ल है, साइवाग इंडियन नस्ल है और ब्राउन स्विस एक एग्जॉटिक ब्रीड है, और इससे जो नई बन रही है वो बन रही है कैटल ऑफ हाइब्रिड ब्रीड, वो बनती है करन स्विस। साइवाग और ब्राउन स्विस का जब क्रॉस कराते हैं तो बेटा कौन तैयार होती है, वो होती है करन स्विस। एक नोट पॉइंट की याद रखना, नोट पॉइंट की अगर चर्चाएं की जाए, ब्राउन स्विस का जन्म स्थान पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, स्विट्जरलैंड बताएंगे, स्विट्जरलैंड बताएंगे। तो ब्राउन स्विस का कभी कभी जन्म स्थान भी आता है तो आप याद रखना ब्राउन स्विस का जन्म स्थान क्या होगा, स्विट्जरलैंड होगा। अगर जलसिंध की बात की जाए बेटा तो जलसिंध की बात की जाए, ये पता चल रहा है कि ये एक हाइब्रिड वैरायटी है, वो हाइब्रिड कैटल स्पीसीज है, तो ये किसके से मिलकर बनती है, तो जर्सी एक दूसिंधी से मिलकर बनती है, कौन सी बनती है, जर्सी और सिंधु से मिलकर जलसिंध बनती है। ये चीज हमारी पता चल रहा है कि आपको बात समझ में आ रही होगी, गाय के क्रॉस यहाँ से खत्म होते हैं। अब भैंस की चर्चाएं करते हैं, भैंस की प्रथम जो नस्ल बनाई गई है मेहसाना हाइब्रिड बनाई गई है, तो मेहसाना को याद रखना इसका क्रॉस क्या होता है, मुर्रा इंटू सूरती, मुर्रा इंटू सूरती। इसे याद कर सकते हैं मम्स के नाम से भी याद कर सकते हैं, किसके नाम से याद कर सकते हैं, मम्स के नाम से याद कर सकते हैं। कहने का मतलब या डबल एम एस के नाम से भी याद कर सकते हैं, मम्स का मतलब माँ से कौन सी हो जाती है, मेसाना, और एक एम से हो जाती है पुनरा इंटू सूरती। अगर भेड़ों की भी बात की जाए तो भेड़ भी तो हमारी बहुत चर्चित रहती हैं, स्टारडेल सबसे बेस्ट टू बेस्ट है। अगर स्टारडेल की बात की जाए तो साथियों स्टारडेल में बात की जाए तो ये किस किस से बनता है, मैरिनो इंटू
बीकानेरी के क्रॉस कराने से सारडेल बनती है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, सारडेल का क्रॉस किया मैरीगल्ड इंटू बीकानेरी। अगर अविस्तरा की बात की जाए, अविस्तरा का क्या क्रॉस होता है, रेम्बुलेट इंटू चोखला होता है। क्या होता है, रेम्बुलेट इंटू चोखला होता है। जबकि अकलीन की बात की जाए ये रेम्बुलेट एंड मलपुरा होता है। क्या होता है, रेम्बुलेट इंटू मलपुरा। दोस्तों इस चीज की बात कड़ी में की जाए, कहाँ से निकाली गई, अविस्तरा या अकलीन की बात की जाए तो ये याद रखना एक रिसर्च सेंटर पड़ता है CSWRI। ये CSWRI की बात की जाए, सेंट्रल सीप एंड पूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पड़ता है, अंबिका नगर राजस्थान में पड़ता है। CSWRI रिसर्च सेंटर से ये निकाली गई। और ये लोकेटेड कहाँ है, ये लोकेटेड की अगर बात की जाए लोकेटेड कहाँ है तो याद रखना ये बेटा हमारा है अंबिका नगर, अंबिका नगर राजस्थान के मध्य पड़ता है। कौन सा पड़ता है, CSWRI। तो कभी पूछ लिया जाए अविस्तरा और अकलीन किस संस्थान से निकाली गई है तो आप उत्तर दे सकते हैं CSWRI, जिसे कहते हैं सीप एंड पूल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं और अन्य भी क्रॉस हैं, जैसे कि मैं बात करूं पीनू की बात करता हूं, इसकी बात करूं पीनू की बात करूं तो इसका जो क्रॉस होता है याक इंटू गाय के साथ जब संबंध बनता है यानी क्रॉस कराया जाता है दो जातियों के बीच में, वो हमारा क्या निकल के तैयार आता है, पीनू। ये बड़े DHO एग्जाम में आया हुआ है पहले से ही। यहाँ से एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम देंगे आप, एक क्वेश्चन रहेगा। अगर खच्चर की बात की जाए तो खच्चर का क्रॉस किस किस से मिलके बनता है, खच्चर की बात की गधा इंटू घोड़ी के लिए जब क्रॉस कराया जाता है तो जो नई संतति उत्पन्न होती है वो खच्चर होती है। अगर जेब्राइड की बात की जाए और घोड़ा इंटू जब जेब्रा मादा जो जेब्रा होती है फीमेल जेब्रा होता है उसके मध्य जब संबंध कराया जाता है क्रॉस कराया जाता है तो कौन सी संतति बनती है, जेब्राइड बनती है। तीसरी बात की जाए जो आज का अंतिम शब्द है वो क्रॉस है कैटेलो। कैटेलो की बात की जाए अमेरिकन भैंसा जो होता है और अमेरिकन गाय होती है, अमेरिकन गाय और भैंसा के मध्य